पूनम पांडे ने 1 सितंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की थी। हालांकि अब महीने भर के अंदर पूनम पांडे ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर सभी को चौंका दिया है। पूनम पांडे का आरोप है कि पति सैम बॉम्बे ने उसके साथ छेड़छाड़ की, धमकी दी और मारपीट भी की है। एक्ट्रेस पूनम पांडे पिछले 2 साल से सैम बॉम्बे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी के बाद दोनों ने अचानक शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद दोनों गोवा में हनीमून के लिए रवाना हुए थे, जहां ये वाकया हुआ है। गोवा के कैनाकुना में पूनम पांडे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जहां उन्होंने FIR दर्ज कराई है। बाद में सैम बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ताजा जानकारी की माने तो पूनम पांडे और सैम बॉम्बे के बीच विवाद काफी बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस पूनम पांडे की हालत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं एक सूत्र ने बताया कि पूनम पांडे को कल शाम तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री को उसके पति सैम बॉम्बे ने बुरी तरह से पीटा था और अब वो बुरी हालत में है। वहीं आपको बता दें कि पूनम पांडे मुंबई पुलिस के पास पहुंची है और उन्होंने अपने पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यह घटना दक्षिण गोवा के केनाकोना गांव में हुई, जहां पूनम एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। सैम बॉम्बे को फिलहाल जमानत दे दी गई है। सैम ने 20,000 रुपए जमानत राशि दी है। उन्हें बुधवार से 4 दिनों के लिए जमानत मिली है, जिसके खत्म होते ही उनको केनाकोना पुलिस स्टेशन में वेट करना होगा।